नमस्ते, मैं प्रेरणा वधावन बोल रही हूँ. आप सिनेस्पीक्स में मुझे देख रहे हैं. हाय, वेलकम ऑन सिनेस्पीक्स. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इश्केरिया, आपकी डेब्यू फिल्म है एज ए डायरेक्टर और एज अ राइटर, स्टोरी राइटर. तो कैसे आपने ये सब प्लान किया और कैसे आपने ये शुरू की फिल्म, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई इस फिल्म? मुझे शुरू से ही शौक था लिखने का. बचपन से मैं कहानियाँ लिख रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ. एंड इनफैक्ट जब मैं 8 साल की थी तब मैंने अपने फादर को बोला था कि मैं फिल्में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मूवीज़ का भी बहुत शौक था. ऑब्वियसली तब तो एक मजाक सा था. फिर ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई करी, मेरे को राइटिंग का शौक था, मैं ठीक ठाक लिख भी लेती थी. तो फिर मैंने आगे जाके थोड़ा सा फिल्म मेकिंग भी सीखी. उसके बाद मैं वापस आई और मैंने कहा कि चलो बॉम्बे में हम बैठ के थोड़ा मतलब किसी डायरेक्टर को असिस्ट करें ताकि कुछ सीख सके. फिर मैं रंग दे बसंती में मिस्टर राकेश मेहरा के साथ एज अ जूनियर असिस्टेंट, जो छाता लेके खड़े रहते हैं उनके साथ उस लेवल पे थी. तो मैंने देखा और उस लेवल पे सीखने का मौका बहुत मिलता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल रोल में नहीं हैं लेकिन आप सबसे सराउंडेड हैं. तो आप सबको ही हेल्प कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में, फ्रॉम साउंड डिपार्टमेंट टू सिक्योरिटी डिपार्टमेंट टू मेकअप डिपार्टमेंट टू कैमरा डिपार्टमेंट, आप सबके बीच में भाग रहे होते हैं. तो उसमें सीखने का मौका बहुत ज़्यादा होता है. उसके बाद ऑब्वियसली मैंने अपनी एक शो, टेलीविजन शो प्रोड्यूस किया और इस कहानी पे काम करना शुरू कर दिया था, जिसको मैंने लिखा है और मेरी फ्रेंड और मैंने बैठ के इसका स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग लिखा है. एंड शुरुआत वहाँ से हुई, बट आके फिल्म मेकर बनने का मन था, बचपन से मन था, तो फाइनली मैं आ गई. फिल्म की स्टार कास्ट कैसे डिसाइड की और क्या यही आपकी चॉइस थी या एनी अदर स्टार कास्ट यू डिसाइडेड? जब मैं लिख रही थी तब तो कोई ऐसे नाम नहीं थे, तब तो बस स्टोरी थी, कहानी थी और उसके कुछ कैरेक्टर्स थे. बट ऑब्वियसली जब मैंने जब मैं इस लेवल पे पहुंची कि मैं कास्टिंग शुरू करूं, नील का नाम बहुत बारी आया था और मैं उसको जानती नहीं थी, मैं किसी को जानती नहीं थी जो उसको जानता था. तो बड़े अननोन तरीके से मैं उसके पास पहुंची और मैंने कहा कि आप मेरी स्क्रिप्ट सुनिए. एंड उसने उसे बहुत पसंद आई. पहली मीटिंग में ही आई थिंक हमने जब नरेशन दी थी उसको, उसको बहुत ही मज़ा आया, ये जो लव द स्क्रिप्ट. एंड हम लोग 1 घंटे की जगह 4 या 5 घंटे बैठे थे वहाँ पे एंड पूरी कहानी को हमने हर तरीके से डिस्कस किया था एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड. तो नील का तो तुरंत ही फैसला हो गया था. जो कैरेक्टर रिचा प्ले कर रही है ओ का, वो मुझे ऐसी कोई लड़की चाहिए थी जो बड़ी नॉर्मल हो, गर्ल नेक्स्ट डोर हो, जो मेरे जैसी हो, मतलब थोड़ी सी शरारती हो, थोड़ी सी सीरियस हो, जैसे हम सब होते हैं. एंड उसमें थोड़ा बचपना एंड थोड़ा नॉटीनेस होना चाहिए, जो क्योंकि वो लड़के को पटाने जाती है. तो एक अजीब तरीके की इनोसेंस चाहिए थी उसके लिए. तो उसके लिए जब मैं रिचा से मिली तो मुझे लगा कि शी अंडरस्टूड द कैरेक्टर वेरी वेल एंड उसको एकदम उसने पकड़ लिया था, जो एक मतलब उसकी आंखों में एक जो ट्विंकल आ जाना चाहिए उस कैरेक्टर की तरह, वो एकदम वैसे ही बात करने लग गई मुझसे और वैसे ही यू नो मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट करने लगी थी. तो इमिजिएटली जब मैं उससे मिली तुरंत मुझे लगा कि हाँ, जबकि दिस इज़ अ वेरी ऑड पेयरिंग, लेकिन एकदम परफेक्ट लगा मुझे, क्योंकि यू नो लड़की ऐसी ही होनी चाहिए. रिच और नील ने इतनी अच्छी केमिस्ट्री एंड रोल्स प्ले किए हैं कि आप यू विल फॉल इन लव विद बोथ ऑफ देम. नाम से ही क्लियर है, इश्केरिया तो इश्क ही होगा उसमें, बट इज देयर सम अदर एलिमेंट्स आल्सो इन द फिल्म, जैसे एक्शन या फिर थोड़ा डार्क साइड ऑफ एक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं? बड़ी बिकॉज द पोस्टर वी सॉ, द रिचा चड्ढा का लुक वी सॉ, वो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है फिल्म में. बहुत रिसर्च करके हमने वो लुक बनाया था, बिकॉज यू नो उसको एक छोटी शहर की लड़की है, बहुत ही छोटी शहर की लड़की है. कभी लड़कों के बीच में उसने अपना टाइम स्पेंड नहीं किया है, बहुत ही इनोसेंट है. एंड ये सबके साथ होता है कि हम जब अपने ही वर्ल्ड को छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं एंड जनरली कॉलेज टाइम पे होता है, तो आपको लगता है कि अरे दुनिया तो बहुत ही बड़ी है, अच्छा इस टाइप के भी लोग हैं, उस टाइप के भी लोग हैं, तो उसके कपड़े अकॉर्डिंग टू दैट बदलते हैं ओवर टाइम. बट बेसिक जो सेंसिबिलिटीज होती हैं वो ऑब्वियसली मेंटेन करी है. उसके आउटफिट्स पे बड़ा ध्यान दिया गया था, उसके लुक्स पे बड़ा ध्यान दिया गया था. एंड फिल्म
एक सिंपल ड्रामा रोमांस लव स्टोरी है. इसमें लड़की को लड़का पसंद आता है, लड़का लड़की को भाव नहीं देता है. तो अब वो कैसे यू नो लड़की कोशिश करती है, कह रहे मुझे देखो तो सही, यू नो मतलब देखेगा नहीं तो प्यार कैसे होगा. तो एक बचपना है लड़की में और वो उस फ्रेंड्स के साथ गैंग ऑफ गर्ल्स हैं जो कि चारों कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे है, हम करेंगे मदद. तो वो चारों लड़कियां जाती हैं लड़के को पटाने के लिए. सो एक अलग तरीके का रोमांस है. तो आर दे इजी टू हैंडल लाइक नितिन और रिचा के साथ ड्यूरिंग शूट, कोई ऐसा प्रॉब्लम या कुछ? बहुत बहुत सपोर्टिव है. रिचा इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर. तो वो उसको एक बार कैरेक्टर समझ में आ जाएगा तो वो वैसा ही करेगी जैसा डायरेक्टर बोलता है. अगर उसको कुछ पसंद नहीं है तो वो सीधा सीधा आके आपको बोलेगी कि मुझे पसंद नहीं. तो इट्स वेरी इजी टू वर्क, क्योंकि अगर कोई आपको सामने से आके बोलता है देन इट्स मच वेरी हेल्पफुल टू द डायरेक्टर ऑल्सो. यू नो मुझे भी पता है फिर मुझे क्या कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है. एंड नील तो इज अगेन वेरी प्रोफेशनल. उसको फिल्म मेकिंग के बारे में पता है बिकॉज यू नो फैमिली इज फ्रॉम फिल्म्स एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर. एंड साथ साथ में ही इज इनटू म्यूजिक, ही इज इनटू फोटोग्राफी. सो ही हैज वेरी गुड सेंसिबिलिटीज अबाउट उस टाइप की चीज़ों में उसका बहुत मन लगता है. तो उसके साथ भी यू नो शॉर्ट्स के बारे में डिस्कस करना बड़ा आसान था. तो म्यूजिकली भी होगी आई एम श्योर ये फिल्म, तो म्यूजिक का कितना रोल है इस फिल्म? बहुत बड़ा रोल है. म्यूजिक पापॉन ने दिया है एंड राशिद खान ने. एंड पापॉन ने थोड़ा मस्ती वाला म्यूजिक दिया है, शरारती म्यूजिक दिया है जैसा यू नो प्यार उस टाइप का है इसमें. एंड होली का गाना ही है जो यू नो होली कॉलेज की होली कुछ और ही होती है. अब हम बड़े हो गए हैं तो होली कुछ और होती है. तो वो मस्ती लाने के लिए पापॉन का म्यूजिक इज़ वेरी वेरी गुड. राशिद खान जी ने हमारा म्यूजिक किया है फॉर लव सॉन्ग एंड वेरी सोलफुल नंबर. उसको सुन के ही आपको लगेगा कि मतलब बस प्यार हो जाएगा. प्रेरणा बहुत हेक्टिक होता है, मतलब फिल्म रिलीज़ करना बहुत ईजी होता है बट उस जब वो रिलीजिंग डेट पे आ जाती है तो अभी आजकल बहुत सी फिल्में हैं जो क्लैश हो रही हैं, एक दिन पे तीन तीन चार चार रिलीजेज हो रही हैं, बिग बिग फिल्म्स आर क्लैशिंग. तो आपको कितनी नर्वसनेस है कि क्या रोल होगा उसके आगे पीछे, बड़ी फिल्म्स होंगी क्या रिएक्शन होगा, या कितनी नर्वस हो आप इस चीज़ को लेकर? नर्वस तो हमेशा ही रहते हो चाहे आप स्क्रिप्ट लेके एक्टर के पास जा रहे हो कि आप सेट का फर्स्ट डे है कि कोई बहुत डिफिकल्ट सीन है जो शूट करना है. नर्वसनेस तो फिल्म मेकर की बेस्ट फ्रेंड है, हर समय रहता है. बट फिल्म्स रिलीज तो अब हर हफ्ते दो दो चार चार मूवीज रिलीज होती हैं, उसको आप हटा नहीं सकते हैं और उनसे आप डर भी नहीं सकते हैं. आपकी फिल्म जितनी अच्छी है ऑडियंस को उतनी ही अच्छी लगेगी या उतनी ही बुरी लगेगी. तो अपने दम पे जितना हो सकता होगा. नर्वसनेस तो हमेशा है, मतलब फिंगर्स क्रॉस अच्छी ही होगी. बट तो व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी यू हैव डिसाइडेड फॉर द फिल्म, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पीआर करना फिल्म को और डिजिटली प्रमोट. आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया में ही हो रहा है तो वी आर डूइंग छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कर रहे हैं. ट्रेलर्स जाएंगे, म्यूजिक जाएगा, स्टोरीज जाएंगी और इन्हीं के बीच में हम प्लान करेंगे कि कैसे उधर, बिकॉज म्यूज फिल्म का कंटेंट इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि उससे हटके कुछ और नहीं करना चाहिए. कंटेंट पे ही फोकस करके क्योंकि अलग है, रोमांस है, कॉलेज फिल्म है, फैमिली फ्रेंडली फिल्म है. मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने बच्चे के साथ नहीं देख सकती हूँ, कि मैं अपने मदर या ग्रैंड मदर के साथ नहीं देख सकती हूँ. तो बड़ी अच्छी फ्रेंडली फिल्म है तो इसको देखने के लिए फोकस उसी पे किया है कि फिल्म की स्टोरी कैसी है, फिल्म के सॉन्ग्स कैसे हैं और उससे अगर लोगों को पसंद आता है तो वो ज़रूर देखेंगे. प्रेरणा आप जैसे कि आप इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं, आप इलाहाबाद से आपकी जर्नी शुरू होती है और आप लंदन जाके स्टडीज़ करते हो, फिर आप बैक टू बॉलीवुड आते हो और आपको इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का, असिस्ट करने का एक मौका मिला, तो उनसे क्या कुछ सीखा? और उनके अलावा और भी कोई डायरेक्टर हैं जिनको आप एडमायर करते हो या आप वैसा बनना चाहते हो? मिस्टर राकेश मेहरा के साथ मेरी पर्सनल इंटरेक्शन तो बहुत कम थी क्योंकि ही वॉज बिजी, मतलब हर डायरेक्टर बिजी होता है अपनी फिल्म के दौरान. बट उन्होंने जैसे हैंडल किया अपने सेट को और
जैसे उन्होंने अपनी टीम को एक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते थे, इंस्पायर करते थे अपने कैरेक्टर्स के लिए, कैमरा डिपार्टमेंट को एंड डीओपी के साथ वो कैसे करते थे, उनका क्या इंटरेक्शन था, ये सब मैंने ऑब्जर्व किया था. सो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड गुड टीचिंग. एक सीखने को मिलता है, सिर्फ देख के ही सीखने को मिलता है. तो वो डेफिनेटली उनसे मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ. उनकी मतलब रंग दे बसंती मैंने इतनी बार देखी है, नॉट बिकॉज मैंने भी उसमें काम किया बट बिकॉज इतनी बढ़िया पिक्चर थी. बाकी डायरेक्टर्स जो मुझे पसंद हैं वो तो बहुत सारे हैं, उनके नाम लेना बड़ा मुश्किल है. पर मुझे ये देख के बड़ा बड़ी खुशी होती है कि आजकल विमेन फिल्म मेकर्स बहुत सारे हैं. मतलब इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि यू नो विमेन फिल्म मेकर्स कम हैं. हॉलीवुड में ये बड़ी मूवमेंट चल रही थी कि विमेन फिल्म मेकर्स रिप्रेजेंटेड कम हैं, उनको काम कम दिया जाता है, बड़ी फिल्में नहीं करते हैं. इंडिया में एकदम ऑपोजिट है. इंडिया में वी हैव सो मैनी वेमेन फिल्म मेकर्स. हर दो महीने में एक नई पिक्चर निकलती है जो कि एंड बड़ी पिक्चर, छोटी पिक्चर नहीं, बहुत बड़ी. सो बड़े प्रोड्यूसर्स एंड कॉर्पोरेट्स काम करना चाहते हैं उनके साथ. सो दैट इंस्पायर्स मी. और जैसा कि मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि रिचा के जो रोल्स हम लोगों ने जनरली देखे हैं वो बहुत, कभी जैसे भी फुकरे में उनका बहुत ही डिफरेंट शेड था, फिर उनके और भी काफ़ी डार्क शेड्स हैं, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव शेड्स भी दिए हैं फिल्म में, तो उनके लिए कितना इजी रहा रोमांस करना वो भी नील के साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनकी केमिस्ट्री हो रही है. तो उनको पता नहीं था कि कैसे हैंडल करें बिकॉज एक्टर तो बहुत ही बढ़िया हैं, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. बट हाँ, उन्होंने कभी रोमांस नहीं किया है ऑन स्क्रीन, उन्होंने कभी डांस नहीं किया है ऑन स्क्रीन, क्योंकि इधर होली के गाने पे उन्होंने डांस किया है, इधर एक लव सॉन्ग है, उधर उन्होंने वैसे मूवमेंट्स करे हैं. तो उनको, मुझे याद है वो इतना हंस रही थी, कह रही थी कि मुझे आदत नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि ये करते कैसे हैं. हो तो जाएगा लेकिन मुझे यू नो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए. तो ऑब्वियसली उनको थोड़ी मेहनत लगी बट शी इज़ अ नेचुरल. उनको अपने आप बड़ी आसानी से एक बार वो मन बना लेती है कि मुझे इस कैरेक्टर में जाना है तो वो तुरंत चली जाती है. चलते चलते आप हमारे ऑडियंस को रिलीजिंग डेट बता दीजिए एंड व्हाई टू वॉच द फिल्म. इश्केरिया रिलीज़ हो रही है 21 सितंबर को एंड ज़रूर देखिए क्योंकि ये एक लव स्टोरी है और एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म है और इसमें बचपन टाइप की शरारतें जो होती हैं, जो हम 18-19 साल की उम्र के होते हैं और जब पहले प्यार की जो शरारतें होती हैं उसको याद करने के लिए और उसको देखने के लिए, उसके मज़े उठाने के लिए ज़रूर देखिए. थैंक यू सो मच प्रेरणा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म. थैंक यू.